अब लड़का उन्हें क्या कर रहा है गाउरो? तो व्हाट्सअप गाइस, और कैसे उम्मीद करता हूँ सभी के सभी मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पूरे, मतलब कि इसको तो गंगा नदी हम लोग नहीं कह सकते, मतलब कि चौड़ है हम लोग के घर के बगल का पूरा, मतलब कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा खेत था, यहाँ खेती होता था, बट अभी जो अगस्त के महीने में बारिश हुआ था उसकी वजह से पूरा फ्लड आ गया। और फ्लड ऐसा आया कि आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे पूरा पानी ही पानी है। अभी हम आपको कुछ और व्यूज़ देते हैं, देख सकते हैं आप इधर भी हमारे पीछे पूरा पानी है, सनसेट का टाइम है, मतलब यहाँ एकदम ओपी व्यू है। यहाँ पे आप आके चेयर लगा के बैठ सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा औसम जगह आपको अब हम दिखाते हैं। हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पूरा, मतलब अजीबोगरीब एक पेड़ के ऊपर, और पीछे हमारे पानी है। अब हम लोग यहाँ से उठते हैं और कुछ आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हैं यहाँ के। तो अभी हम लोग इसी पे बैठे हुए थे और यही है पूरा यहाँ का, मतलब कि पानी, इधर भी पूरे यहाँ पे पानी, पूरा यहाँ पे पानी ही पानी है। इधर भी देख सकते हो, इधर सामने सनसेट हो रहा है, जैसा कि आप सामने देख, हमारे सामने देख सकते हैं पूरा सनसेट हो रहा है। और ये कितना मस्त यहाँ सनसेट का व्यू आपको मिलेगा। अभी थोड़ा तो ज़्यादा ही, मतलब कि पूरा 4 बजे का 5 बजे का टाइम हो गया, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा सन मतलब कि अंदर चला गया, लेकिन थोड़ा और पहले आते तो यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता। और अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पूरा यहाँ पानी पानी। अभी हम लोग यहाँ से जाने के समय आपको दिखाएंगे, यहाँ पे मछली वगैरह की जाले लगाई रहती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मछली रहता है, मछली भी आपको दिखाएंगे। और ये आप सामने का व्यू तो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा मस्त है, चारों तरफ पानी पूरा आप देख सकते हो, पीछे पानी ही पानी है यहाँ, और मछली की तो मतलब कि कमी नहीं। और हमें एक घोंगा दिखा यहाँ पे, जिसको अभी हम निकालेंगे अपनी जान को रिक्सी लेके। और यहाँ पे आपको घोंगा दिख रहा होगा, जिसको अभी हम निकालते हैं। अभी अपना चप्पल खोल दिया है मैंने, और ये अभी हम ऐसे ही जाएंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम चले जाएंगे इसमें और देखेंगे इसमें घोंगा है कि नहीं। और ये आप लोग देख सकते हो, मैंने घोंगा की, एक घोंगे की प्राप्ति कर ली है। और ये रहा घोंगा, देख सकते हो पूरा अंदर तक ये, इसमें घोंगा है भी। और आप इसके खाना चाहते हैं तो हम आपके घर पे कुरियर भी करवा सकते हैं, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। और पीछे का व्यू तो देख ही सकते हो, यहाँ पे एक बच्चा भी सोया हुआ है और वो लोग मछली मार रहा है। तो अभी हम लोग उन लोगों से पूछते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए, हमारे कैमरा मैन, और हम उनके बच्चे के पास गए हैं। बच्चे को क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर क्या रहे हैं? मछली मार रहे हैं। काहे मछली मार रहे हैं? हाँ, पढ़ते लिखते नहीं है? नहीं। काहे मछली मार रहे हैं? तो ये बच्चा सोया हुआ है काहे? भूख के। हाँ, भूख लगल है, भूख लगल है इसको। तो बगुआ तुमको भूख लगा हुआ है, बोलो कस के क्या हुआ है? भूख लगल है। अच्छा, भूख की वजह से तुम लोग सोया हुआ है यहाँ? तब क्या मतलब मछली मार के काम चलाएगा? हाँ, सरकार आप लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है क्या? नहीं। काहे नहीं कर रही है? हाँ बोलिए, नीतीश कुमार यहाँ के सरकार है, नीतीश जी कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे काम चलेगा, बताइए ना। कुछ कुछ कर रहा है नीतीश, कुछ नहीं कर रहा है नीतीश, कैसन है? पूरा गांव का हाल है ना, तो कुछ नहीं कर रहा था। हम लोग मछली मार के खा रहे थे, खेती बाड़ी नहीं है, अन पानी कुछ नहीं है, अन पानी कुछ नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, ये सरकार बहुत बेकार बन गया है ना। अब लड़का उन्हें क्या कर रहा है गाउरो? हग रहा है, हग रहा है। ओ, मतलब बहुत ज्यादा दुविधा में नीतीश सरकार आप लोग को डाल दिया है ना। नीतीश कुमार, जैसा की देख सकते हैं ये बच्चे नीतीश कुमार के विरोध में, ये बच्चा तो बच्चा भी हग रहा है, वो भी बच्चा भी वहाँ से आएगा। भाई इधर आना, हफ्ते हफ्ते इधर आओ, हफ्ते हफ्ते इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, जाओ जोर से आओ, हंसते हुए आगे, आप आगे आइए, आप ही तो मेन है, आप ही तो मेन है, आप आगे आइए। आप नीतीश सरकार नहीं, पैखाना भी नहीं बनवाया, आप देख सकते हैं शौचालय भी नहीं बनवाया है यहाँ, इसीलिए लड़का सब भागने जाता है कहीं कहीं, मतलब कि पूरा देश को बर्बाद कर दिया है नीतीश, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब खाली संसद में आया है, अथी करेगा, रोज करे वाला कोई झग्गा नहीं है, मैदानों करे वाला कोई झग्गा नहीं है, सब पानी पानी हो गया, पानी हो गया, खाली बाढ़ हो गया, नीतीश कुछ नहीं किया, एक आदमी सामने हो गया, आप देख सकते हैं। बताइए, कुछ बता दीजिए नीतीश सरकार को, आप लोग हाय हाय बोल रहे हैं। तुम सब कुछ नहीं करता है, काम में रस के नहीं करने चाहिए, भागो, भागना पड़ेगा यहाँ तो, ये सब अग्रेसिव हो गए, अग्रेसिव हो गए लोग, हम लोग को कैमरामैन को मांगने लगे, भागना पड़ेगा, ये सब उग्रवादी सब लगता बन गया है सब, अभी मतलब पूरा हम अभी कैमरा लेके अपने अपने हाथों में ही भाग रहे हैं, अभी हमको अपनी जान प्राण लेके भागना पड़ेगा, अभी हम पूरा तेजी से भाग रहे हैं, बचाइए बचाइए, पुलिस 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 बचाइए, कुछ करिए कुछ करिए, हम देख सकते हैं पूरा एकदम मतलब दौड़ते उड़ते कैसे कैसे भाग के आ गए हैं, हमारी जान अब जाके बच
भाई हम आज के ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।